आज गाजर के ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे गाजर भी हमारी रसोई की एक मुख्य सब्जियों में से एक मुख्य द्रव्य है और गाजर का इस्तेमाल यदि रसोई के अंदर काम करती हुई माता को समझ में आ जाए तो इस गाजर से ही अपने बच्चों की अपने जितने भी घर के अंदर जीव हैं उन सब की सेहत बढ़िया बना सकती है आम तौर पर छोटे बच्चों को एवं बड़े बच्चों को खून की कमी हो जाती है और खून की कमी को यदि दूर करना है खून की कमी को बच्चे के अंदर कमी करके उसको बढ़ाना है बच्चे का सुंदर रंग करना है बच्चे की आवाज़ को बढ़िया बनाना है बच्चे की तंदरुस्त रखना है तो गाजर का इस्तेमाल करना हम सीख जाएं, तो बहुत ही बढ़िया है देखो बच्चे को खून की कमी है बच्चे के अंदर ए, रंग थोड़ा सा बच्चे का कम है तो माताओं को चाहिए कि रित्य प्रतिदिन गाजर को कद्दूकस करके और जितनी गाजर है समझ लो सौ ग्राम गाजर है तो उसके अंदर आधा किलो दूध डाल करके और उसको मंद मंद अग्नि पर उसकी खीर बनाई जाए और उसमें आवश्यकता अनुसार मीठा डाल करके अपने बच्चे को यदि खिलाएगी तो बच्चे के रंग निखरेगा और बच्चे का खून बनेगा दूसरा ये है आपको हृदय की बीमारी है अथवा आपका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो यदि आप नित्य प्रतिदिन गाजर को गुड़ के साथ खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा आपके फोड़े फुंसियाँ होती रहती हैं और फोड़े फुंसी के कारण बड़े परेशान हैं तो हम गाजर को का प्रयोग करें गाजर का जूस नित्य प्रतिदिन पियेंगे तो हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी हमें दिल का रोग नहीं होगा हमें हमारे खून के अंदर किसी किस्म का उबाल नहीं आएगा फोड़े फुंसियाँ नहीं होंगी और खून इससे शुद्ध होता है नया खून बढ़ता है गाजर से एक आमतौर पर आ, आप जाएंगे घरों के अंदर मैं लोगों के घरों में जाता रहता हूं और लोगों के पास जब जाता हूं तो वो अनेकों बीमारियां बताते हैं कि आप मेरे को सिर दर्द होता है खांसी होती है नज़ला रहता है जुखाम रहता है सुबह उठ के पेट साफ़ नहीं होता विशेष करके हमारे ज़िला गुरदासपुर के अंदर जितने भी रोगी हैं जितने भी 40 साल से ऊपर के मनुष्य हैं उनको सबको ये बीमारी है कि पेट साफ नहीं होता सुबह उठते ही एक बार में नहीं होता कई बहुत देर बैठना पड़ता है ऐसी समस्याएं लोग बताते हैं यदि गाजर का प्रयोग करें जैसे किसी को पेट सुबह साफ नहीं होता तो रात को गाजर को कद्दूकस करके या बरी काट करके सलाद के रूप में खाया जाए जितनी भी ज़्यादा ज़्यादा आधा किलो एक आदमी रोज यदि गाजर खाएगा तो उसका बगैर इंतज़ार करे सुबह उठते ही शौचालय के अंदर जाते ही पेट साफ़ होगा और यदि किसी को खांसी है जुखाम है नज़ला है यदि रात को सोते समय एक चमचा अदरक का रस और दो तीन चमचे गाजर का रस थोड़ा सा कोसा करके मिला करके और उसमें मीठे की जगह सैट डाल करके यदि प्रयोग करें तो उसको जुखाम नज़ला खांसी इत्यादि सब बीमारियां चली जाती हैं एक सिर दर्द की लोगों को बहुत बीमारी है कि सिर दर्द नहीं जाता जी सिर दर्द के लिए भी गाजर एक अचूक राम बाण है गाजर को आप थोड़ा सा उबाल लें और उबालने के बाद जब उसमें भाप उठने लगे तो वो नित्य प्रतिदिन बीमार उस भाप को सूँगे अपने अंदर और जितनी देर तक सूंघ सुंग सकते सूँगे और उसके बाद उस गाजर को जरा ठंडा करके और उसके अंदर थोड़ा सा गाय का देसी घी मिला करके और उसको आप थोड़ी सी चीनी डाल करके नित्य यदि उसको खाएं तो आपको सिर दर्द भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है गाजर ऐसा हमारे इलाके के अंदर ही नहीं सारे भारतवर्ष में गाजर मिलती है और हर की रसोई के अंदर गाजर उपलब्ध होती है यदि इस प्रकार हम गाजर का नाना प्रकार के प्रयोग करें पौष्टिक है रक्त शोधक है हृदय ग्राही है दिल को मजबूत देता है और आने वाली छोटी मोटी बीमारियों से बचाव करती है और हमारे गुरुवर स्वामी सर्वानंद जी महाराज जब हमें पढ़ाते थे वो ये कहा करते थे एक अमीर आदमी बादाम खाता है और यदि गरीब आदमी नित्य प्रतिदिन गुड़ के साथ गाजर यदि खाए तो ये बादाम से भी ज़्यादा काम करती है और इससे आने वाले मौसमी रोग उस आदमी के ऊपर हमला नहीं करते वो आदमी रोगों से बच जाता है हाँ गाजर मुख्य रूप से हमारे सेहत के लिए तो लाभदायक है परंतु आमतौर पर हम सफ़ेद मोतिया हो जाता है और डॉक्टर आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो ये बता देते हैं कि सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कर तो देंगे परंतु ज्योति आती है या नहीं आती ये असंभव है परंतु गाजर के रस और प्याज का रस और इसका पुदीने का रस इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके और जितना ये रस बनाया उतना ही उसके अंदर शहद डाल करके एक आँख में डालने की दवाई बना लें तो बगैर ऑपरेशन के सफ़ेद मोतिया ठीक हो जाता है और आदमी ऑपरेशन से बच जाता है और ऑपरेशन से जो खतरा है कि पता नहीं रोशनी आएगी कि नहीं आएगी उस रो उस से भी बच जाता है और रोशनी पुनः लौट आती है आँखों के पीछे जो लाइट की लाइनें हैं उनको ये ताकत देती है तो इसलिए हमें गाजर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए गाजर के महत्व को समझना चाहिए और गाजर को बीजते समय खेत के अंदर यदि हम ओनली देसी खाद के अंदर अपने घर के अंदर अपने के घर में अपने खेत के अंदर बगैर खाद की गाजर बीजें और उन गाजरों का प्रयोग करें तो अनगणित हमें लाभ मिलेंगे तो आओ हम गाजर का इस्तेमाल करना सीखें और गाजर के गुणों को अपने आसपास लोगों को बताएं और खेती बढ़िया खेती गाजर की करें और खेती गाजर की करके और हमें अपनी तंदुरुस्ती का लाभ इस पर उठाना चाहिए ऐसा गाजर के बारे में आयुर्वेद के शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है हमारे घरों के अंदर मूली का भी किसी न किसी रूप में हम प्रयोग करते हैं सलाद रूप में अथवा सब्जी रूप में मूली का बहुत प्रयोग करते हैं और हमारे देश कृषि प्रधान देश है इसके अंदर मूली की उपज बहुत होती है मूली के पत्ते मूली का मूल और मूली के बीज ये तीनों ही आयुर्वेद केंद्र इनकी बहुत महत्ता बताई गई है पूज्य पास स्वामी सर्वानंद जी महाराज जब हमें पढ़ाते थे तो वो मूढ़ी के बीजों का महत्व बताया करते थे और मूली के बीजों के लिए वो कहा करते थे कि जो बीमारी किसी भी दवाई से ठीक ना हो वो मूली के बीज ठीक करते हैं जैसे स्त्रियों के पेशाब संबंधी रोग मासिक धर्म रुक जाना अथवा प्रदर रक्त प्रदर हो श्वेत पदर किसी प्रकार का भी प्रदर रोग हो वो मूली का उसके अंदर मूली के बीजों का विशेष रूप से प्रयोग होता है हमारे गुरु जी बताया करते थे कि मूली के बीज को पीस करके यदि स्त्री संबंधी कोई भी रोग हो उसको एक मासा सुबह और एक मासा शाम को यानी मासा यानी एक ग्राम सुबह और एक ग्राम श्याम गर्म दूध के साथ प्रयोग कराया जाए तो स्त्री संबंधी जितने भी रोग हैं पेशाब संबंधी जितने भी रोग हैं मासिक धर्म इत्यादि रोग हैं वो सब इस मूली के बीजों से ठीक हो जाता है परंतु मूली के बीजों को पहले शुद्ध कर करना होता है और मूली के शुद्ध करने का तरीका खट्टी लस्सी के अंदर बीजों को सुखा दिया भिगोया जाए और सात दिन भीगने के बाद लस्सी से निकाल करके छाया के अंदर सुखा लिया जाए उन बीजों का यदि प्रयोग करेंगे तो जो रोग असाध्य हैं स्त्रियों के उन रोगों को एकदम ये शांत कर देता है और मूली के जो पत्ते हैं जैसे किसी को जिगर की जिगर का रोग हो गया है या जिगर के ऊपर डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपके ऊपर फेफड़ों के ऊपर जिगर के ऊपर और कई जगह ये खारिश हो गई है उसके ऊपर या सोजस आ गई है या जिगर खून कम बढ़ा रहा है नाना प्रकार की बीमारियां इन जिगर की होती हैं और जिगर ख़राब हो जाए तो पीलिया हो जाता है काला पीलिया हो जाता है और ये भी आसादे जब ठीक ना हो तो कैंसर रूपी जैसे भी भयंकर रोग आ जाता है परंतु जिस भी आदमी को जिस भी स्त्री को जिस भी बच्चे को यह अनुभव हो जाए या डॉक्टर यह बता दे कि आपके जिगर के ऊपर सोजश है जिगर के विकार आ गया है जिगर काम घट कर रहा है जिगर का साइज बढ़ गया है जिगर संबंधी कोई भी बीमारी भी डॉक्टर बता दे तो उस समय बगैर सोचे समझे मूली के रस को निकालो और मूली के रस के अंदर थोड़ा सी खांड उसको मीठा कर लो और वो रोजाना दिन में दो बार सुबह और शाम को दो तीन बजे यदि एक एक छटाक यानी पचास ग्राम सुबह और पचास ग्राम शाम को चार बजे उस बच्चे को उस इंसान को उस मानव को उस स्त्री को यदि हम पिलाना आरंभ कर देंगे जिस रोग को असाध्य कहते हैं वो रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो कैंसर से बचेगा वो पीड़िया रोग से बचेगा वो काला पीड़िए से बचेगा और जिगर के ऊपर सोजिश आ गई जिगर बढ़ गया है तो कैंसर का होने का भी डर है यदि मूढ़ी के पत्ते सवा महीने उसका रस निकाल करके कोई आदमी पीता है तो उसको जिंदगी भर कभी भी इन बीमारियों को के दर्शन नहीं होती इन बीमारियों से बचा रह सकता है मूढ़ी का मूल लीजिए मूढ़ी का मूल बहुत सस्ती चीज़ है आदमी ने किसी आदमी ने चावल ज़्यादा खा लिए हैं और चावल ज़्यादा खाने के कारण गैस हो गई है और वो हजम होने में नहीं आ रहे यदि दो चार टकरे आप मूली के खा लें तो उसी समय चावल हजम हो जाएगा और गैस भी ठीक हो जाएगी आपने केले ज़्यादा खा लिए हैं और केले खाने के कारण पेट के अंदर दर्द हो रहा है गैस बन गई है केले को हजम करने के लिए यदि कोई चीज़ है तो वो धनवंतरी महाराज ने आयुर्वेद आचार्यों ने परमात्मा ने हमारे लिए खेतों में मूली उगाई है वो मूली को धो करके उसको खा लें तो आपको केले हजम हो जाएंगे और सजनों यदि मूली आपने ज़्यादा खा ली है सिर्फ हाजमे को ठीक करने के लिए खून बढ़िया बनाने के लिए भूख को बढ़ाने के लिए परंतु मूड़ी हजम नहीं हुई उसका भी आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है मामूली सी चीज़ है आपके घर के अंदर गुड़ होगा और उस गुड़ को थोड़ा सा गुड़ आप खा लें तो जो मूड़ी के कारण आपको ढकार आ रहे हैं मूड़ी के कारण आप परेशान हो रहे हैं जो बाकी चीज़ खाने के लिए मूड़ी खाई थी वो चीज़ तो हजम होगी पर मूड़ी हजम नहीं हुई उसका थोड़ा सा आप गुड़ खा लेंगे तो आपको मूड़ी भी हजम हो जाएगी मूड़ी के आ, बड़ी बड़ी मूढ़ियाँ हो जाती हैं मूलियाँ पक जाती हैं मंडी वाले बाहर डाल देते हैं उस मूढ़ी का भी प्रयोग आयुर्वेद के अंदर लिखा है और वो आप अपने घर के अंदर बढ़ा करके उसका अमृत बना सकते हो सुखी मूलियाँ हैं बहुत मोटी मूढ़ियाँ हो गई हैं और खाने लायक नहीं रही है मैं, अपने लोगों ने बाहर सुट दी है खेत के किसान ने भी उखाड़ करके बाहर डाल दिए उन मूलियों को आप घर में लाएँ और घर में लिया कर उनको सुखा लें और सूखने के बाद उस पर आग लगा दें और आग लगाने के बाद जो राख बन जाएगी उस राख को आप पानी में घोल लें और पानी में घोलने के बाद उस पानी को ऊपर ऊपर से नितार लें और उस पानी को जो नितरा हुआ पानी है उस पानी को आप एक कढ़ाई के अंदर डाल लें कढ़ाई में डाल करके उसको आग पर मंद मंद आग पर पानी को उड़ा लें नीचे एक नमक बच जाएगा वो मूढ़ी का नमक जो है वो हमारे लिए बहुत अमृत है असाध्य रोगों के लिए जिस जिस रोग के लिए कई प्रकार की खांसियाँ होती हैं वो खांसी ठीक नहीं होती एक चूडी नमक कोसे पानी से दे दें तो आपका नमक आपकी खांसी ठीक हो जाएगी एक चुंडी नमक आप रोटी के बाद खा लें आपका खाया पिया आजम हो जाएगा एक एक चुंडी नमक आप पेशाब रुक गया है वो चुंडी नमक पेशाब की इंद्री के छेक के अंदर वो बुरका दें रुका हुआ पेशाब उसी समय निकल जाएगा नाना प्रकार के रोगों में इस मूली का नमक जो बेकार समझ के फेंक दी थी उसका यदि प्रयोग कर कर ले हम ठीक तो नाना प्रकार के रोगों से हम मुक्ति पा सकते हैं तो ऐसा मूली के बहुत से चमत्कार है मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ